मांगो मालिक से तो बड़ा मांगो, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, चलो रोड पर हम लोग रोड को जाम करेंगे। ऐसी गरीबी में निकलते हैं, बाल बच्चा भूखे मरता है। हाँ, ऐसी तरह से निभा रहे हैं। बंद है तो कहाँ से काम मिलेगा? हाँ, काम मिलता रहा, लेबर कार्ड बना है वो पर पैसा नहीं है। नहीं, भूख है, भूख भूख हमारा अभी सबसे पहले रोजगार चाहिए जी, पेट का पेट में अन्न चाहिए, सबसे बड़ी मांग ये है। बड़ा कारखाना का क्यों नहीं मांग रहा, जो कि लाख दो लाख मजदूर हम लोग यहाँ कमावे, हम लोग का भरण पोषण हो, छोटा मोटा क्यों मांग रहा है? 3 दिन से अभी मैं खाया नहीं, और तू बोला छोटी मोटी, 3 दिन से अभी नहीं खाया, आई नहीं रोटी तो क्या बनेगा घर में? नमस्कार, मैं स्वीटी, आप देख रहे हैं NBC 24। बता दें कि बिहार में रोजगार की मार है, ऐसे में लोग बिहार से बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाकर पलायन करते हैं और मजदूरी करते हैं, और दो वक्त की रोटी के लिए परिवारों के भरण पोषण के लिए दो वक्त की रोटी कमाते हैं। ऐसे में बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है वो तो पढ़े लिखे लोगों को खूब रोजगार दे रही है, नौकरियाँ दे रही है, क्या ऐसे लोगों को भी उनके लिए कुछ खास है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और दो वक्त की रोटी के लिए हमेशा पूरे दिन बैठे रहते हैं ताकि उन्हें कोई आए और अपनी मजदूरी पर ले जाए और कहीं ना कहीं दो वक्त की रोटी उन्हें मिले। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी सारी तस्वीरें, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हैं और दो वक्त की रोटी के लिए लोग खड़े रहते हैं कि हमें कोई काम दे दे और हम अपने परिवार की भरण पोषण कर सके। तो लोगों से ही जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि क्या कैसे उनका दिन का गुजारा होता है, अगर नहीं उन लोगों को मजदूरी मिलता है तो कैसे दिन का गुजारा होता है? ऐसी गरीबी में निकलते हैं, बाल बच्चा भूखे मरता है। हाँ, और ऐसी तरह से निभा रहे हैं। तो कैसे आप लोग मतलब यहाँ पे बैठते कहाँ से आए? हम लोग है जहानाबाद से, कोई गया से आते हैं। इतने दूर से आके यहाँ पे बैठते हैं ताकि मजदूरी मिले? और मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो कैसे परिवार का? तो यही भूखा मर के है, जो कि बाल बच्चा किसी जैसे नून पानी खाक पी के रहते हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? जो खाना पीना वही जो रोजगार चाहते हैं। काम क्या सरकार से ही चाहते हैं? काम धंधे हो? हाँ, काम धंधे हो। कंपनी है नहीं, कंपनी है नहीं, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, तो क्या जो लोग अनपढ़ है जिनके पास उतनी डिग्रियाँ नहीं है तो उन्हें तो रोजगार नौकरी नहीं दी जा रही है, तो उनके लिए सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए जो आप लोग को भी जो दो वक्त की रोटी के लिए कहीं जो आप जाते हैं? कारखाना, छोटी मोटी काम धंधे जिसमें पब्लिक कोई भी काम कर सके, समझे? कोई छोटा मोटा कारखाना होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बिहार के अंदर बहुत जरूरी। बड़ा कारखाना का क्यों नहीं मांग रहा, जो कि लाख दो लाख मजदूर हम लोग यहाँ कमावे, हम लोग का भरण पोषण हो, छोटा मोटा क्यों मांग रहा है? छोटा भी नहीं मिल रहा है, नहीं छोटा मोटा क्या? अरे मांगो मांगो मालिक से तो बड़ा मांगो, छोटा क्यों? मांगो मालिक से तो बड़ा मांगो, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग भी प्लानिंग कर रहे, चलो रोड पर हम लोग रोड को जाम करेंगे, आप ऐसी करेंगे रोड को काट दें, काहे भाई? तो हम लोग भूखे मर रहे हैं तो पकड़ के ले जाएगा तो हम लोग कम से कम खाना तो मिलेगा वहाँ। भूख है, भूख भूख हमारा अभी सबसे पहले रोजगार चाहिए जी, पेट का पेट में अन्न चाहिए, सबसे बड़ी मांग ये है जी। बिहार के अंदर पहले नंबर रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, धंधे चाहिए, कुछ बालू भी बंद है, बालू खदान बंद है, 50 आदमी खड़े हैं, सब बेरोजगार है, दोपहर का टाइम हो गया और बेरोजगार खड़े हैं। आप लोगों का घर का क्या है? छोटी मोटी लिट्टी है, सब खाकर दिन भर टाइम बिता देना है, घर परिवार में जाना है, बस यही। मोटी 3 दिन से अभी मैं खाया नहीं, और तू बोला छोटी मोटी, 3 दिन से अभी नहीं खाया, आई नहीं रोटी तो क्या बनेगा घर में? बोलिए क्या बोलेगा? फिर यहाँ काम खोजने हम आए हैं, आज भी वही स्थिति है। कि आप लोग पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते ताकि कोई आए और आप लोग को काम दे और आप लोग की दो वक्त की रोटी? यस मैडम, यस यस, यही इंतजार रहता है। नीतीश एक तरफ, नीतीश सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं युवाओं को, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए बालू बंद तो यहाँ सब कुछ पढ़े लिखे भी है, बेरोजगार अनपढ़ भी है, सर हर तरह। क्या लगता है आपको? हम लोग तो 4 दिन खाया हो गया, काम खोज रहा है, काम नहीं मिल रहा है। कैसे परिवार का गुजारा होता है आप लोग का? सर गुजारा से कर्जा से तो हम बूटा है, बंद है तो कहाँ से काम मिलेगा? तो हाँ, काम मिलता रहा, मजदूरी। हाँ हाँ, नाव पर 200 कमाता है। अच्छा। नावे बंद है। हाँ। पुलिस बंद कर दिया है। तो आप लोगों की मांगे हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ ऐसा रोजगार मिले ताकि हमारी दो वक्त की रोटी मिल सके और हमारे परिवार की भरण, हम लोगों का खाना पीना का ये मतलब निर्धारण हो सके, दो वक्त का रोटी मिल सके, कम से कम ये जरूरी है।
ये आज पूरे पटना के मजदूरों के साथ में यही हालात है। हम असंगठित मजदूर हैं और असंगठित मजदूर का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ये कहने का मतलब लेबर लोग का पैसा मिलता था लेबर कार्ड पर, वो कितना मिलता? नहीं, साल में 2500 मिलता था, वो सरकार बंद कर दिया। हाँ, वो बंद कर दिया, कोई लेबर लोग को कोई फंड नहीं आ रहा, साल में आता था वो बंद कर दिया सरकार। हाँ, तलाश में बैठे रहते हैं, घर से निकलते हैं, कोई जहानाबाद से, कोई गया से, इतने दूर दूर से आके यहाँ पे बैठे रहते हैं, है ना, और ताकि हम लोग को मजदूरी मिले, लेकिन मिलता नहीं मिलता है। देखिए कुछ लोग और भी हैं। आप लोग कितने देर से यहाँ पे बैठे रहते हैं, कहाँ से आए हैं? हम नहीं बात कर पाए। कहाँ से आए हैं? सुनिए, इधर इधर सुनिए, कहाँ से आके बैठे रहते हैं? नवादा से। नवादा से? हाँ जी। यहाँ पे बैठते हैं मजदूरी मिले? हाँ, नहीं कुछ काम नहीं मिल रहा मैडम, क्या करें, भूखे प्यासे अभी 3 दिन से पड़े हुए हैं। आपका घर परिवार? कुछ नहीं, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ, माँ बाप गुजर गए इसलिए यहाँ आए हुए हैं, ताला बंद है घर पे। स्थिति बुरी है? हाँ, बहुत हालत खराब है। मांगे? कुछ काम धंधा मिल ही नहीं रहा, खा पी रहा हूँ कुछ नहीं, अभी 3 दिन से पानी पी पी कर गुजारा कर रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पे कोई नवादा से, तो कोई जहानाबाद से, कोई गया से आकर यहाँ पे बैठता है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कहीं नहीं मजदूरी मिले, अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे में आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे इन लोग सुबह से ही आकर यहाँ पे बैठे रहते हैं, फिर भी इन लोगों को कहीं ना कहीं मजदूरी नहीं मिलती है और निराशा हाथ लगता है और घर पे ऐसे ही जाना पड़ता है। बच्चे, बीबियाँ, सभी लोग इंतजार करते हैं कि 2 रुपये लेकर आएंगे तो हम लोगों का भरण पोषण चलेगा, खाना मिलेगा, रोटी बनेगी घर में, रोटी घर में सामने नहीं है कि नहीं कुछ आएंगे तो क्या, सब भूखे मरते रहते हैं, फिर भी भरे वही काम। लोग एकजुट होकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार में बोलिए। क्या बालू चालू हो जाए तो कम से कम काम मिलेगा? बालू चालू हो जाएगा। सरकार बंद करके बेरोजगारी कर दिया। लेबर कार्ड बना है तो कार्ड पर पैसा नहीं आता। अच्छा, लेबर कार्ड बना है वो पर पैसा नहीं आता? लेबर कार्ड बना, उस पे पैसा नहीं है? नहीं, लेबर के कार्ड नहीं बना है, नहीं पैसा आता मेरे। यहीं से राजा कुल से मेरे। क्या मांगे थी आप? वही काम धाम मैडम। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं। तो आपको अच्छा मिलना चाहिए था, कुछ नौकरी रोजगार में। फैक्ट्री अगर बिहार में फैक्ट्री खुल जाए तो मजदूर यूनियन जो है, मजदूर क्लास का आदमी का, दूसरे राज्य में पलायन रुक जाएगा, है ना? हाँ, सबसे ज्यादा पलायन होता है क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में काम करते हैं। हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जाता आदमी काम करने के लिए, क्यों? बिहार में कुछ, बिहार में है ही नहीं कुछ, कहीं बना ही है, कोई नहीं बना है, जो भी सरकार बना है आज तक बिहार के लिए क्या किया, कुछ नहीं बनेगा तो आप लोगों को काफी मिलेगा। हम लोग जो मजदूर किन्नी क्लास का आदमी है सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कोई भूखे नहीं मरेगा। तो रिक्शा गाड़ी कहाँ से चलाएंगे? हम वैशाली जिला से आए हैं पटना में काम करने के लिए, यहाँ भी कुछ काम धाम नहीं है। सुबह बहुत धर लेते हैं, रिक्शा गाड़ी चलाने पे कहीं भी जाते हैं सवारी लेके तो गाड़ी पकड़ लेते हैं। बहुत परेशानी है मैडम, बहुत है, बहुत मना, इतना परेशानी है बिहार में जो अभी कितना मजदूर क्लास का आदमी जो है भूखे मर रहा है, रोड पर चोरी छीना ओछरी करता है, क्यों करता है? पेट के लिए करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, वही पर सरकार कहेगा जैसा हो रहा वैसा हो रहा है। आप भी मजदूरी के लिए यहाँ पे बैठे? हाँ, मजदूरी नहीं मिला तो कैसे आपका घर परिवार चल रहा किसी तरह? जान पहचान है यहाँ। तो क्या मांगे? क्या मांगे? काम धंधा मांगे और क्या मांगे? काम धंधा जो बोला है सब वही सब है। और भेजना था हमको सरकार के माध्यम या आपके चैनल से। हाँ। हमारे बच्चा जो है 10 साल 14 साल गुजर गए, डेट किया हुआ आपदा में, मुरलीगंज थाना से केस नंबर 311 में, आज 14 साल हो गया जो अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला हमको, जो कि बोला 10 लाख रुपया मिलेगा, हम गरीब आदमी नहीं जा सके। बस एक्सीडेंट में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो एक्सीडेंट वाले में तो ट्रेन वाली में तो देने की सुविधा की दी गई है कि हाँ ट्रेन वाले जब ट्रेन से कट के गिर के मरते हैं लोग तो उन्हें मुआवजा राशि मिलेगा, लेकिन बस का तो नहीं। बस का उस टाइम आए थे 2 लाख रुपया मिला था मुझे, बाकी का राशि बोला जो कि यही महीना में 9 तारीख को हम अप्लीकेशन किए, फाइल उल दिए, वो भी पैसा अभी तक बोला जो ट्रांसफ़र करके नहीं मिला हमको। हम ये जानना चाहते हैं सरकार जी से, माननीय महोदय वहाँ का जो भी उच्च अधिकारी है, जो कृपया हमारा पैसा मेरे खाता में ट्रांसफ़र करें। चाचा,
मिला, सुनिए इधर रोजगार मिला कुछ मुद्दा क्या में? मजदूरी उजदूरी मिला? यहाँ काम करता है ठेकेदार चाहे बाबू सब, पैसे नहीं देता है। नहीं मिलता है पैसा? कोई देता है कोई नहीं देता है, इसका कोई व्यवस्था नहीं। तो आप लोग कहाँ कितने देर से यहाँ पर बैठे रहते हैं? यहाँ सवेरे आठ बजे से 12 बजे तक रहते हैं। यहाँ पे कैसे जो चाचा लोग हैं वो बैठे हुए हैं मजदूरी की तलाश में, और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? हमें सर रोजगार चाहिए डेली के डेली, आपको चीज चाहिए? हम सर नहीं मिलता है, ना ही मिलता सर, बैठे रहते हैं तो घर परिवार चलता है, ऐसे ही भूख मर रहे हैं। आप खाना पीना नहीं मिलता है, हम सब भूखले खाना पीना मिलता तो यहाँ रोड पर बैठे रहते। बताइए, रोड पर जब खाना पीना मिलता तो यहाँ बैठे ना रहते, खाने पीते ना? अच्छा, खाना पीना मिलते ना, घर परिवार कैसे चलता है? अरे ऐसे जैसे तैसे चल रहा है आपका। हाँ जी, खा जाता दो रोज भूखले रहता है। एक रोज खा, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बहुत हम नौकरी रोजगार देते नहीं, बोल दीजिए। कहाँ दिया है कुछ हो भाई? आप देखिए ना कि कुछ दिया है कि नहीं दिया है, देखिए ना आप। आप आँख से देख रहे हैं ना जी कि घूम रहे बैठे हुए रोज घूम घूम के, बोल दीजिए थोड़ा नीतीश कुमार बोल दीजिए कुछ क्या मांगना चाहते हैं आप? अरे हमने रोजगार मांगना चाहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हमने के चाहिए, हमने के कुछ नहीं, हमने के रोजगार चाहिए, डेली काम मिलेगा, खाएंगे। नीतीश कुमार जी से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, इससे कहाँ संतुष्ट है, इसको चाहते हैं सरकार में। अब देखिए कि ये आता है के जाता है, हमारा कहने से चल आवेगा नहीं? आप ही लोग ना वोट कीजिएगा। अरे वोट तो मानते हैं कि हम दे दिए आपको, अब जीतने वाला नीतीश कुमार जीत गए, अब वो देख के देश के रक्षा नहीं कर रहा है, अब बताइए ना। वोट दे दिया हम लोग, छपरा जिला से दे दिया है, हम नौ क्षेत्र से, आज तक कुछ नहीं फैसला हुआ। नीतीश कुमार जी को नहीं जिताइएगा? अभी तो गरीब का सहारा करेगा तो हम नहीं देगा देने के लिए? तो क्यों बड़ा हंस रहे चाचा? सुनिए सुनिए सुनिए, क्या आपको मजदूरी मिलता है? कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं, एक मैं क्या करें, कहीं कुछ रोजगारी दीजिएगा तभी ना काम किया। कुछ बोल दीजिए नीतीश जी को, बोल रहे हैं बहुत रोजगार नौकरी दे, रोजगार देवे नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ना कुछ, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है? करते हैं। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है, बालू बंद कर दिया गया है, इस वजह से भी हम लोगों को कहीं ना कहीं मजदूरी नहीं मिल रही है, और पूरे दिन हम लोग ऐसे ही धूप में बैठे रहते हैं, नहीं खाना खाते हैं, दो दिन खाए हुए हो गया है, और घर परिवार में भी जाते हैं तो कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे तो रोटी कैसे पकेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।